जी, कल शाम से शुरू होने वाले पुरतशद्दुद वाकयात में अब तक 18 अफराद हलाक हो चुके हैं और 19 गाड़ियां नजर आतिश की जा चुकी हैं, जबकि इस वक्त भी तकरीबन 125 अफराद जख्मी हालत में अस्पतालों में एडमिट हैं। मैं आपको बताऊं कि कल शाम जो बनारस कॉलोनी से शुरू हुआ था ये पुरतशद्दुद वाकयात का सिलसिला, एक मखसूस कम्यूनिटी के लोगों को निशाना बनाया गया था और वो बनारस कॉलोनी और बुखारी कॉलोनी से फैलता हुआ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जा पहुँचा, जिसमें फिर खारा दर, सोल्जर बाज़ार, मलिर, शाहरा नूर जहाँ, पहाड़गंज, औरंगी टाउन, सोहराब गोड, बल्दिया टाउन के इलाके भी शामिल हो गए। और इसमें जो फायरिंग का सिलसिला है वो रात भर जारी रहा और अभी सुबह भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से फायरिंग के इत्तला हैं। रात तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जलाओ घेराव का सिलसिला जारी रहा, जिसमें गाड़ियाँ नजर आतिश की गई उसमें और पथारे नजर आतिश किए गए, डंपर ट्रॉलर नजर आतिश की गया, मजदा बसें नजर आतिश की गई, रक्षा टैक्सी नजर आतिश की गए और इसके अलावा जो निजी इमलाक हैं उसको नुकसान पहुंचाया गया। मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सन्नाटा छाया हुआ है, लोगों पर खौफ और हरास का आलम तारी है और सुरजानी टाउन से, सोहराब गोड से, औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों से अभी भी फायरिंग के इत्तलात मौसूल हो रही हैं। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का योम तासीस मनाया जा रहा था, जिसका मरकज़ी जलसा पुरानी नुमाइश के करीब नश्तर पार्क में होना था आज 3 बजे, ताहम शहर की सूरत हाल को देखते हुए और आवाम के जान माल के तहफ़ के लिए उस जलसे को मुअत्तल कर दिया गया है, उस जलसे को कैंसिल कर गया है। अब जो योम तासीस की तकरीबात होंगी वो ज़िले सतह पर मनाई जाएंगी और जो मरकज़ी तकरीबें वो मनसूख कर दी गई है। जी